गुजरात प्रदेश के मोरबी में मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज टूट जाने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में कईयों की गोद सूनी हो गई तो कईयों की मांग उजड़ गई। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सभी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। कुछ दिन पहले ही ये पुल खोला गया था। बताया जाता है कि सन 1887 के आसपास इस ब्रिज का निर्माण उस वक्त के महाराजा बाघजी राव जी ठाकुर ने कराया था। इस पुल का इस्तेमाल महाराजा द्वारा महल से राजदरबार में जाने के लिए किया जाता था। उस वक्त ये पुल खास तकनीक से बनाया गया था। ये ब्रिज बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना था और शायद यही वजह रही कि लोग इसे देखने आते थे। पुल क्षतिग्रस्त ना हो लिहाजा समय समय पर इसकी मरम्मत की जाती रही। तकरीबन 7 महीने से मरम्मत के लिए इसे लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। चार दिन पहले यानी 26 अक्टूबर को दिवाली के चलते इसे खोला गया था। बताया जाता है कि इसकी मरम्मत पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 765 फुट लंबे और 4.5 फुट चौड़े इस ब्रिज की देखरेख की जिम्मेदारी ओरेवा ग्रुप की थी। प्रथम दृष्टया घटना के लिए ओरेवा ग्रुप की ही लापरवाही सामने आ रही है। दरअसल इस पुल पर जाने के लिए टिकट लगता है। माना जा रहा है कि क्षमता से अधिक टिकट बेच दिए गए और पुल पर बहुत भीड़ हो गई। शायद क्षमता से अधिक भार को यह पुल बर्दाश्त नहीं कर पाया और टूट गया, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया।